नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नज़र डालते हैं गुरदासपुर की कुछ खास खबरों पर। रूरल हेल्थ फार्मासिस्ट की तरफ से गुरदासपुर में बाजारों में जाकर हाथों में कटोरे पकड़ भिक्षा मांगकर पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। पंजाब में रूरल हेल्थ फार्मासिस्ट पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे दिखाई दे रहे हैं। गुरदासपुर में रूरल हेल्थ फार्मासिस्ट की तरफ से हर दुकान पर जाकर अपने परिवार के गुजर बसर के लिए भिक्षा मांगी गई। वहीं भिक्षा मांग रहे रूरल हेल्थ फार्मासिस्ट की तरफ से बताया गया कि पंजाब सरकार ने उनके साथ वायदा किया था कि वो कोविड-19 के दौरान अपनी ड्यूटी को करते रहे, उनको रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन पिछले 14 सालों से वो सरकार के वायदे के चलते केवल 10,000 रुपए की तनख्वाह में काम कर रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी करते रहे, लेकिन सरकार के वादे वफा न हुए और अपनी मजबूरी बस उनके द्वारा पिछले कुछ समय से पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन शुरू किया गया है। वहीं उनका कहना था कि पंजाब राज्य में साथ लगते राज्यों ने अपने रूरल हेल्थ फार्मासिस्टों की तनख्वाह दुगनी कर दी है और हिमाचल राज्य ने तो रूरल हेल्थ फार्मासिस्टों को रेगुलर भी कर दिए हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने हमारी 2 महीने से तनख्वाह न देकर हमें नया तोहफा दे दिया है और इसी के चलते हम शहर में भिक्षा मांग रहे हैं ताकि अपने परिवारों के गुजर बसर के लिए कुछ राशन तो ले जा सकें। वहीं उनका कहना था कि 31 जुलाई को कैबिनेट मंत्री त्रिपत राजेंद्र बाजवा की रिहायश से घेराव करते हुए रोष प्रदर्शन किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंदल की रिपोर्ट। देखो जी, असं पिछले 14 सालों तो पेंडू डिस्पेंसरियों तन मन सेवा कर रहे थे और पिछले 4 महीने तो असी आइसोलेशन सेंटर फ्लू कॉर्नर और जिते जिते भी कोरोना एंबूलेंस वैन हर जगह के उत्ते ड्यूटी कर रहे थे। आज तुम देख सकते हो मेरिया अखों के जोड़े अथरू ने 42-42 पॉजिटिव केसों के जाके मैं काम किया सिविल अस्पताल गुरदासपुर। उदो मेरिया अखा च अथरू नहीं आया, मैं हर एक काम असी किया, मेरे नाल साथी खड़े ने। आज चिट्टे एपरन जोड़े एवें नहीं मिले सानू, असी डिग्रियां करके नौकरियां हासिल कीतियां। अज ये अथरू क्यों आए ने? क्योंकि असी चंगे भले लोग सरकार ने भीख मंगण ते मजबूर कर दिते। आ देखो, असी भीख मंग के अपने परिवारों का ते गुजारा करांगे और साडे नाल एक क्लासपुर वीर ने जिहड़े 4500 रुपया महीना ले